हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडियल कंपटीशन एकेडमी वाराणसी। रोज़ की तरह हम आज भी अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो मॉर्निंग में 4 बजे अपलोड हो जाती है, तो आज भी अपने एज़ पर शेड्यूल हम लोग आपके सामने आ रहे हैं। तो आज हम देखते हैं 28 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, भारत ने आशुगंज अखौरा सड़क को 4 लेन राजमार्ग में से अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो भारत ने आशुगंज अखौरा सड़क को 4 लेन राजमार्ग से अपग्रेड करने के लिए बांग्लादेश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो आपका आंसर होगा सी बांग्लादेश, जिसमें आशुगंज नदी बंदरगाह और बांग्लादेश के अखौरा भूमि बंदरगाह के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन राजमार्ग के रूप में अपग्रेड करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। यह सौदा बांग्लादेश के सड़क और राजमार्ग विभाग यानी RHD और भारतीय कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसका भुगतान बैंक के प्रमाण पत्र COA को रद्द कर दिया है। ऑप्शन ए है वोडाफोन एम पैसा, बी आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, सी NSDL पेमेंट बैंक, डी फिनो पेमेंट बैंक। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए वोडाफोन एम पैसा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकरण के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के कारण वोडाफोन एम पैसा के प्रमाण पत्र यानी COA को रद्द कर दिया है। COA के रद्द होने के बाद कंपनी प्रीपेड भुगतान उपकरणों को जारी करने और संचालन कारोबार को लेन देन के लिए प्रयोग में नहीं ला सकती है। वोडाफोन एम पैसा उन 11 फर्मों में से एक थी जिन्हें 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान बैंक लाइसेंस दिया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2015 में 11 फर्मों को भुगतान बैंक लाइसेंस दिया गया था, जिसमें से वोडाफोन एम पैसा भी एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या है जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है एक मतदाता होने का गर्व, वोट करने के लिए तैयार। ऑप्शन बी है सुगम्य भारत, सी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, डी समावेशी और गुणात्मक भागीदारी। आपका आंसर होगा सी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। पच्चीस जनवरी 2020 यानी इस वर्ष 25 जनवरी 2020 को 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है और इसका विषय क्या था? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने भारत और अफ्रीका में वास्तविक समय से सीमा पार धन आंदोलनों को शुरू करने के लिए वेस्टर्न यूनियन के साथ सहयोग किया है। ए एयरटेल, बी आइडिया, सी पेटीएम, डी गूगल। ऑप्शन ए एयरटेल इज द राइट आंसर। वेस्टर्न यूनियन ने 2 भारतीय एयरटेल यानी एक एयरटेल पेमेंट बैंक
और दूसरा एयरटेल अफ्रीका पीएलसी के साथ मिलकर भारत में लाखों एयरटेल पेमेंट्स बैंक खातों और अफ्रीका के 14 देशों में मोबाइल वॉलेट में शीघ्र ही वास्तविक समय पर भुगतान शुरू करने के लिए सहयोग किया है। भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष कौन है? भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष हैं सुनील मित्तल। सुनील मित्तल जो कि भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा दूर संचार ऑपरेटर अपने आवेदन पर यूपीआई भुगतान सुविधा की सुविधा देने के लिए देने वाला पहला दूर संचार ऑपरेटर बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं एयरटेल, बी वोडाफोन, सी बीएसएनएल, डी रिलायंस जियो। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर, यानी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो माई जियो ऐप पर यूपीआई भुगतान की सुविधा देने वाला पहला दूर संचार ऑपरेटर बन गया है। एक्सेस के लिए रिलायंस जियो यूजर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए साइन अप प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसके बाद ऐप से एक नई यूपीआई आईडी बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व तीरंदाजी ने किस देश से निलंबन हटा दिया है? ऑप्शन ए है भारत, पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी डेनमार्क। द आंसर क्या होगा? ए भारत। विश्व तीरंदाजी ने सशर्त रूप से भारत पर निलंबन हटा दिया है। जिन भारतीय तीरंदाजों को निलंबन के कारण एशियाई चैंपियनशिप में एथलीटों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी थी, वे अब तिरंगे के नीचे देश का प्रतिनिधित्व तो कर सकते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट लॉस वेगास में इंडोर वर्ल्ड सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में वुमेन विद व्हील्स कैब सेवा किस शहर से शुरू की गई है? ए मुंबई, बी जालंधर, सी पश्चिम बंगाल, डी दिल्ली। तो वुमेन विद व्हील्स कैब सेवा दिल्ली में शुरू की गई है। तो वुमेन विद व्हील सेवा वाली महिलाएं सखा कैब द्वारा एक एक पहल है। यह एक टैक्सी सेवा है जो नई दिल्ली से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई है। कहाँ से शुरू की गई है? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। कैब विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए चलाई जाती है और महिला ड्राइवरों द्वारा ही संचालित भी की जाती है, जिन्हें आज़ाद फाउंडेशन नामक एक एनजीओ से काम पर रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किन स्थानों में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में चैंपियंस की ट्रॉफी जीती है, जो असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई थी? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी असम। तो बी मध्य प्रदेश, सॉरी ए महाराष्ट्र इज योर आंसर। महाराष्ट्र ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में चैंपियंस ट्रॉफी प्राप्त की थी। महाराष्ट्र ने 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 कांस्य सहित कुल 256 पदक जीते थे। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते? 78 गोल्ड, 77 सिल्वर और 101 ब्रॉन्ज, यानी टोटल कितने? 256
56 पदक जीते थे महाराष्ट्र ने, और हरियाणा 200 पदक के साथ दूसरे स्थान पर और दिल्ली 122 पदक के साथ तीसरे स्थान पर था इस गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैटरीना साकल्ला रोपोलो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ए इथियोपिया, बी फ्रांस, सी ग्रीस, डी सऊदी अरब। तो आपका आंसर है सी ग्रीस। कैटरीना ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली किस देश की? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कैटरीना साकल्ला रोपोउ, और वह राष्ट्रपति प्रोकोपिस पावलोपोलोस का स्थान ग्रहण करेंगी। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और मुद्रा क्या है? ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है, एथेंस। और मुद्रा क्या है ग्रीस की? यूरो। ग्रीस की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस राज्य में खोला जा रहा है? ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। क्या होगा आंसर? आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला ई वेस्ट या ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है, और इस कचरा क्लिनिक केंद्र का या ई कचरा क्लिनिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सी पी सी बी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भोपाल नगर निगम यानी BMC, भोपाल नगर निगम BMC द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए कि पहला ई कचरा किसके द्वारा या पहला ई कचरा क्लिनिक किसके द्वारा संस्थापित किया गया है। तो CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा और भोपाल नगर निगम द्वारा या संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, और यह घरेलू और व्यापारिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान में सक्षम होगा, और मध्य प्रदेश में खोला गया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। गुड डे, हैव अ नाइस डे।